नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज के प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग से। बिहार की शिक्षिका की जबलपुर में मौत, परिजनों ने डॉक्टर पति पर लगाया हत्या का आरोप। बिहार में रहने वाली एक महिला शिक्षिका की उपचार के दौरान जबलपुर मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके डॉक्टर पति ने की। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए तिलवारा थाने में शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाते हुए मर्ग कायम कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। रोजी के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर अभिषेक के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है जिसको पटाने के लिए वह रोजी कुमारी के ऊपर अपने घर से पैसा लाने के लिए दबाव बना रहा था। इसके लिए डॉक्टर अभिषेक राय और उसके अन्य परिजन रोजी कुमारी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इस वजह से रोजी कुमारी काफ़ी परेशान थी। 13 मार्च को रोजी कुमारी के परिजनों को सूचना मिली कि रोजी कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया और अब वह मेडिकल में इलाज करा रही है। रोजी के परिजन जबलपुर पहुंचे और उन्होंने जब पूरी बात की तहकीकात की, इसके बाद उन्होंने आरोप लगाए कि आत्महत्या नहीं बल्कि उसके पति और परिवार के अन्य लोगों ने उसकी हत्या का प्रयास किया। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। रवीना नाम की, उससे एफ आई आर भी है इसका और इसने उसको मारा है क्योंकि मेरी भतीजी मानसिक तौर पर बहुत मजबूत लड़की थी, वैसा कर नहीं सकती थी और ये उसका खून किया है, ना कि वो कभी कर ही नहीं सकती है, वो हैंगिंग खुद नहीं कर सकती है, इसने हत्या किया है उसका। और मुझे यही दरख्वास्त है यहाँ के प्रशासन से, मैं तो बिहार से आता हूँ, कि मेरी बात को सुने और उचित न्याय देने का प्रयास करें। मेरा नाम नवीन कुमार है। वेंटिलेटर पर है जी, तो जब वेंटिलेटर पर है, इलाज भी चल रहा था, सब कुछ, इसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मानवीय मूल्य के कारण मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उसने मेरी बेटी का इलाज बखूबी किया। लेकिन हाँ, तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मेरे पास जो सबूत है, ये मामला कोर्ट का बनता है, कोई आत्महत्या किया या करा या किसी के कहने से किया या कर दिया, ये मामला जो है सो हम वहाँ सबूत के साथ, हमारे पास सबूत कोर्ट में देने के लिए है। लेकिन मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि एक पीड़ित परिवार से मैं आता हूँ, एक बच्ची की हत्या का मामला है, दहेज प्रताड़ना का मामला है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप क्या अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए देश प्रदेश और जिले की ताज़ा तरीन खबरें अपने ही मोबाइल पर रोज रात 9 बजे। नमस्कार।